हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाला हूँ बेस्ट 5 लैपटॉप 30,000 रुपी के अंदर। देखिए, अगर आप स्टूडेंट हो या फिर आप एम्प्लॉय हो या फिर आप बिजनेसमैन हो या आप छोटे मोटे यूट्यूबर हो मेरे जैसे, तो आपको लैपटॉप चाहिए। जिस तरह से आज हमें स्मार्टफोन जो है वो हमारा हमारी जिंदगी का एक सबसे अच्छा घटक बन चुका है, उसी तरह लैपटॉप भी काफ़ी ज़रूरी है। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ वो 5 बेस्ट लैपटॉप जो आपको खरीदने चाहिए। देखिए, मैंने जो लैपटॉप जो सिलेक्ट किए हैं उसका कुछ बेसिक क्राइटेरिया रख दिया है, जैसे कि इसमें होना चाहिए कम से कम i3 प्रोसेसर, और वो होना चाहिए 8 जनरेशन और 9 जनरेशन और 7 जनरेशन। इसमें होनी चाहिए 1 TB HDDC और इसकी स्क्रीन होनी चाहिए 15.6 इंच, लेकिन मैंने एक और लैपटॉप इसमें लिया है एक लिस्ट में जिसकी स्क्रीन होने वाली है 14 इंच, तो मैं अभी वो शुरू करने वाला हूँ। मगर आप अगर नए हो मेरे इस YouTube चैनल पर तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए अगर आपको कुछ लगता हो, और अगर आपको ये अच्छा लगे तो आप आपके दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं। तो मेरा नाम है मिलिंद और आप देख रहे हैं इंग्लिश लैंग्वेज गुरु जी। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे सभी लैपटॉप्स जो 5 बेस्ट लैपटॉप है उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, तो आप उसे ऑनलाइन खरीद सकते हैं। तो आइए, पहला जो लैपटॉप है हमारी लिस्ट में वो है Acer का Aspire 3 लैपटॉप। Asus Aspire 3 के स्पेसिफिकेशन यहाँ पे आप देख सकते हो, ये आता है कोर i3 8 जनरेशन के साथ और इसमें है 4 GB का रैम और 1 TB की हार्ड डिस्क। ये आता है 15.6 इंच डिस्प्ले के साथ और ये है फुल HD और इसका वेट जो है वो है 2.1 किलोग्राम। और मज़े की बात यह है कि यह आता है 256 GB SSD के साथ और इसका जो ग्राफिक है वो काफ़ी अच्छा है। यह है इंटेल का UHD 620 ग्राफिक्स और इसका और एक प्रॉज है वो है एडवोकेट कनेक्टिव पोर्ट्स आपको मिल जाते हैं, क्योंकि आजकल जो नए लैपटॉप आते हैं उन्हें ये जो पोर्ट्स जो दिए जाते हैं वो काफ़ी कम दिए जाते हैं। अब बात करेंगे इसके कॉन के बारे में, तो इसका एक ही कॉन है कि इसका जो डिस्प्ले है वो इतना अच्छा नहीं है और ये बहुत स्लो है, यानी वो कभी कभी लैग भी होता है। दूसरे नंबर का लैपटॉप है लिनो की तरफ से, लिनो आईडियापैड S145। लिनो आईडियापैड S145 जो है वो काफ़ी इसमें आता है। अगर आप जाओगे कोर i3 10 जनरेशन के लिए तो आपको लगभग 35,000 से भी ज़्यादा पैसे आपको देने पड़ेंगे, लेकिन अगर आप जाते हो ओल्डर जनरेशन की तरफ यानी कोर i3 8 जनरेशन की तरफ, तो आपको ये 30,000 के अंदर में ये लैपटॉप आता है। ये आता है 4 GB रैम के साथ और 1 TB हार्ड डिस्क के साथ। यह है 15.6 इंच डिस्प्ले और इसमें आता है फुल HD एंटी ग्लेयर टेक्नोलॉजी और इसका वेट है सिर्फ 1.85 किलोग्राम। और अगर हम बात करें इसके प्रोज की, तो ये आता है वेरी फैंटास्टिक डिज़ाइन के साथ। ये लगभग मैकबुक की तरह ही दिखता है, अगर कोई इसे देखे तो वो धोखा खा जाए कि क्या ये मैकबुक है। और ये है काफ़ी लाइट वेट है, इसका डिस्प्ले जो है वो काफ़ी अच्छा है। मेरा खुद का लैपटॉप जो है वो है लेनो, यही लैपटॉप है और इसी लैपटॉप में मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। इसका जो कॉन है वो यह है कि ये थोड़ा स्लो लैपटॉप है और ये कभी कभी बहुत ज़्यादा लैग भी करता है। लैपटॉप की दुनिया में सबसे बड़ा नाम जिस कंपनी का था पहले वो थे डेल की, और यह वही लैपटॉप है जो 14 इंच का है, डेल वोस्ट्रो 14 इंच लैपटॉप। डेल वोस्ट्रो 14 इंच का जो लैपटॉप है वो आता है काफ़ी अच्छे स्पेसिफिकेशन के साथ, क्योंकि ये आता है कोर i3 10 जनरेशन के साथ और इसमें है 4 GB की रैम और 1 TB की हार्ड डिस्क। देखिए, ये आपको थोड़ा सा 30,000 से थोड़ा ज़्यादा महंगा पड़ सकता है, क्योंकि जो जो प्राइस है वो बदलती रहती है अमेज़ॉन पे फ्लिपकार्ट पे, लेकिन जब मैं अभी मैंने जो चेक किया है तो ये आता है आपको 33,000 रुपये में ये आपको गिरेगा। इसका जो डिस्प्ले है वो है 14 इंच का डिस्प्ले और ये HD स्क्रीन है, एंटी ग्लेयर टेक्नोलॉजी भी इसके साथ है और इसका जो वेट है वो है 1.79 किलोग्राम। और ये इस प्रोस के बाद हम करेंगे तो ये काफ़ी अच्छे फीचर्स, ग्रेट फीचर के साथ आता है इस प्राइस पॉइंट पे।
ये जो लैपटॉप है ये गेमिंग को भी सपोर्ट करता है और इसकी जो स्क्रीन क्वालिटी है वो काफ़ी सुपीरियर है। आपको काफ़ी मज़ा आएगा इस पे गेम खेलते वक्त या फिर इसमें कुछ काम करते वक्त। और इसकी जो बैटरी है वो काफ़ी इम्प्रेसिव है। और जो लखान है इसका वो तो भाई है, लैपटॉप जो है वो थोड़ा थोड़ा लैक होता है। चौथे नंबर पर है, फिर से है लिनो का ही आइडियापैड 330 लैपटॉप। हमारा अगला जो लैपटॉप है वो है लिनोवो की तरफ से 330। जब मैं इसको सर्च कर रहा था, जब मैंने ये वीडियो बनाया तो ये 30,000 के नज़दीक था, लेकिन कभी कभार ये अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट पे 30,000 से भी ज़्यादा इसके प्राइस आपको देखने को मिल सकते हैं। तो ये आता है, एक्चुअली ये आता है i3 10th generation के साथ भी आता है, i5 10th generation के साथ भी आता है, लेकिन हमें 30,000 के अंदर ये लैपटॉप अगर चाहिए या उसके आजू बाजू में लैपटॉप चाहिए तो आपको जाना होगा कोर i3 7th generation की तरफ, जो आता है 4GB रैम के साथ और इसमें है 1TB हार्ड डिस्क। यह 15.6 इंच डिस्प्ले वाला यह लैपटॉप है और ये फुल HD वाला है और इसमें एंटी ग्लेयर टेक्नोलॉजी भी है। इसका वेट थोड़ा सा ज़्यादा है, यानी 2.2 किलोग्राम इसका वेट है। और इसके प्रोस की हम बात करेंगे तो इसकी स्क्रीन जो है वो काफ़ी अच्छी है, इसके स्पेसिफिकेशन भी काफ़ी अच्छा है, इसमें इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स आपको देखने को मिलेगा, ये थोड़ा सा लाइट वेटेड भी है और ये कन्वर्टेबल स्क्रीन के साथ आला, यानी आप इसको घुमा सकते हो 180 डिग्री के अंदर। और इसमें एक ही कॉन है, वो ये है कि इसके साथ CD ड्राइव नहीं आती है। और आखिरी लैपटॉप है Asus की तरफ से Vivo Book। हमारा आखिरी जो लैपटॉप है वो है Asus Vivo Book और ये आता है कोर i3 7th generation के साथ, 4GB रैम है, 1TB हार्ड डिस्क है और इसका डिस्प्ले जो है वो है 15.6 इंच डिस्प्ले है, HD स्क्रीन है और ये काफ़ी अल्ट्रा लाइट वेटेड का है क्योंकि इसका जो वेट है वो है 1.7 किलोग्राम। और प्रोज की बात करें तो काफ़ी अच्छा डिस्प्ले है, इम्प्रेसिव डिस्प्ले है, ग्रेट स्पेसिफिकेशन है इसकी, इसमें अल्ट्रा लाइट वेट है और इसकी जो बॉडी है वो प्रीमियम बिल्ड क्वालिटी के साथ ही आता है। और इसका जो कॉन है वो बस यही है कि ये काफ़ी हीटअप होता है, अगर आप काम करते हो एक घंटा आपने काम किया, 2 घंटे आपने काम किए तो ये हीटिंग हो जाता है इसका। तो मुझे उम्मीद है आप सबको ये 5 बेस्ट लैपटॉप पसंद आए होंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो मैं फिर से आपको अपील करता हूँ कि मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाना ना भूले ताकि ऐसे आने वाले बहुत सारे वीडियोस आपको सबसे पहले मिले, और इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।